भाई बैठ जा, मेरे भाई बैठ जा। प्रशांत प्रशांत पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रत्युष मणि त्रिपाठी के घर पर चार दिन पहले कुछ लोगों ने हमला किया था। इसकी उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी और जाके स्वयं पुलिस के अधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया था कि बार बार मुझे थ्रेट मिल रहा है, इसके पहले भी हमारे पास घर पर 3-4 बार लोग हमला कर चुके हैं, मेरी जान माल को खतरा है। उस समय जो एसपी सर्वेश जी ने कहा कि आप खुद 6 फीट के हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो, तो और कुल मिला के हंस के टाल दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक कार्यकर्ता जिसके घर पर हमला होता है, उसके साथ मारपीट होती है और जाने पर पुलिस इस प्रकार का संवेदनहीन बयान देती है, इससे दुर्भाग्य का दिन कुछ नहीं हो सकता है। जिससे साफ लग रहा है कि ये पुलिस प्रशासन के लोग इस प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि प्रत्युष मणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, इस हत्या के लिए पूरी पुलिस जिम्मेदार है। अगर पुलिस ने संवेदना दिखाया होता, समय रहते अगर कदम उठाता, तो अपराधी खुलेआम नहीं घूमते और इस प्रकार की हत्या न होती। उसमें जो एक हत्यारा है वो समाजवादी पार्टी के जो वहाँ क्षेत्रीय पार्षद है, उनका रिश्तेदार भी है। लेकिन हत्या होने के बाद आज पुलिस यहाँ सारा जितना पुलिस यहाँ इकट्ठा हुई है हमारे कार्यकर्ताओं को घेरने के लिए, शायद इतना पुलिस लग जाती तो आज गिरफ्तारी हो जाती, वो हत्यारे सब जेल के अंदर होते। दूसरी चीज़ है, आज प्रत्युष मणि के घर में उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो उनके परिवार का भरण पोषण कर सके। उनके 5 साल की एक बेटी है, दूसरा एक छोटा बच्चा है, अकेले पत्नी है। और उस मोहल्ले में जब प्रत्युष मणि के रहने पर 150-150 लोग हमला करते थे और घर में घुस के घर को कब्जा करने की कोशिश किया, मारपीट किया और यहाँ तक कि आज हत्या हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल की बच्ची और जो बच्चे हैं, पत्नी की क्या दशा होगी, उनका कल से कौन रखवाला होगा। तो किस तरह का मांग रखते हैं और हम लोगों ने मांग सीधे सीधे की है कि अब प्रत्युष मणि के पास उस परिवार के भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, तो प्रदेश सरकार कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा दे उनके बच्चों को। जिस प्रकार से अभी जो एक घटना हुई थी, उनके बच्चों के लिए अलग से 10-10 लाख रुपए और शिक्षा की व्यवस्था की है, मकान की व्यवस्था की है, ऐसे ही सारी व्यवस्था प्रत्युष मणि के परिवार के लिए करे। और जो पुलिस के लोगों ने इतना संवेदनहीनता दिखाया, तत्काल उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे और जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी करे, NSC करे, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जब तक इस प्रकार की घोषणा प्रदेश सरकार नहीं करती है, हम लोग यहाँ से न उठेंगे, न प्रत्युष मणि की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे। और पत्नी की सुरक्षा और नौकरी का भी, ये सारी हम लोगों की डिमांड है। बड़ी दुखद घटना है, एक श्री प्रत्युष मणि त्रिपाठी थे, उनकी यहाँ पे कोई चाकू मारकर किसी ने घटना की है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में जब लाए थे तो उसके बाद उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। इनकी कोई आपसी लड़ाई की भी कोई FIR दर्ज हुई थी 25 तारीख को, उसको लेकर भी ऑलरेडी उसमें केस मुकदमेबाजी चल रही थी, एक गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जो लोग हैं उनका संतोष ये है कि उसमें और भी कुछ नामजद लोग थे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब सारी टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार के लिए भी समुचित आर्थिक सहायता करा के उनकी देखरेख की व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों की कोशिश है कि इस दुखद घटना में जो भी इसके लिए दोषी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और साथ ही साथ परिवार की आर्थिक मदद हो, ताकि परिवार का आगे का सहारा कुछ डेवलप हो सके।